बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको सूजी साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। सूजी मैंने 1 कप ली है। सूजी साफ, इसमें रेत वगैरह होती है जिसकी वजह से आप जब हलवा बनाते हैं तो जब आप खाते हैं तो खाने में मज़ा नहीं रहता, क्योंकि सूजी में रेत होती है। इसकी वजह से जब मुंह में आ जाती है तो उसका मज़ा नहीं रहता। सूजी आप जहाँ मर्ज़ी से ले लेंगे, सूजी में रेत ज़रूर होगी। तो इसलिए मैं आज आपको सूजी साफ़ करने का सही तरीका बताऊँगी। अब मैंने पतीले में पानी शामिल किया है सूजी धोने के लिए। अब मैं सूजी शामिल करूँगी। अब सूजी को ऐसे ऐसे हाथों से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इस पतीले में आराम से पानी शामिल करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता से। अब देखिए हमारे सूजी के नीचे की रेत है ये मैंने साफ़ कर दी है, और आप एक पतीले से दूसरे पतीले में मुंतकिल करेंगे हिला हिला के, तभी आपकी सूजी साफ़ होगी और रेत नीचे बैठ जाएगी। तो आपने ये करना है, अगर आप एक पतीले से दूसरे पतीले के मुंतकिल नहीं करेंगे तो आपकी सूजी नहीं निकलेगी, रेत वगैरह नहीं निकलेगी। तो इस वजह से आपने एक पतीले से दूसरे पतीले में मुंतकिल करना है हिला हिला के, तभी आपकी सूजी निकलेगी और रेत साइड पे होगी। अब हमारी ये साफ़ सूजी तैयार हो गई है। देखिए इसे मैंने, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया साफ़ करने का, इसी तरह आप भी साफ़ कीजिएगा, तभी आपकी रेत निकलेगी और साफ़ सूजी आपकी साइड पर होगी। आप भी इसी तरह साफ़ कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।